हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और नए दिन के साथ हमारे नई शुरुआत नए ब्लॉग की। आज की इस वीडियो में हमारे पूरे दिन का रूटीन होगा। इस वीडियो में आप देखेंगे मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ और सब कुछ जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। सो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तब तक आप नज़ारों के मज़े लीजिए। दोस्तों मैं सफ़र कर रहा हूँ मेट्रो से और यहाँ इस स्टेशन से मुझे जो दूसरे स्टेशन चेंज करना पड़ेगा दूसरे साइड की मेट्रो के लिए। चेंज करने के बाद हम दूसरी मेट्रो में हैं, बाद में हम सफ़र करेंगे बस से। मेट्रो स्टेशन से अभी हम बाहर निकल रहे हैं और बगल में यहाँ पर है बस स्टॉप, जहाँ से हम लेंगे बस और चलेंगे फिर डेस्टिनेशन की ओर। सो गाइस, फाइनली हम आ गए हैं बस में और यहाँ से 10-12 मिनट लगेंगे मुझे वर्क प्लेस जाने में। बस डबल डेकर है और मैं अभी जो है सबसे आगे की सीट पर बैठा हूँ। ऊपर से जैसे आपको दिख रहा होगा वो इसलिए बैठा हूँ कि आप लोगों को ये ब्यूटीफुल व्यू दिखा सकूँ अच्छे से। कमेंट में लिखना कि आपको ये व्यू कैसा लग रहा है, ज़रूर बताना यार। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार, फ्री है। और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दो ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। अभी आप बस ये सुंदर व्यू देखो यार, और सड़क के किनारे ये जो खूबसूरत पेड़ हैं, बगल में बिल्डिंग है और ऊपर जो खुला साफ आसमान। आई होप कि आप ये व्यू जो है अच्छे से इंजॉय कर पा रहे होंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी यार। तो बस से मैं भी उतरा हूँ यहाँ पर और जो मेरा वर्क प्लेस है यहाँ से 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो चलते हैं। अभी लेट हो रहा हूँ मैं, वैसे काफ़ी दूर का सफ़र था, आज भी काफ़ी दूर से सफ़र करके आया हूँ। अभी बाद में ब्रेक टाइम पे काम ख़त्म करने के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए, कहीं जाइएगा मत। तो अभी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है और मेरे को जाना है घर, और बस लूँगा मैं यहाँ से अपोजिट साइड से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से दूर से। और उसके बाद लेनी पड़ेगी मुझे मेट्रो, दो मेट्रो चेंज करनी पड़ेंगी स्टेशन यहाँ से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस नए दिन की नई शुरुआत में और इस नए ब्लॉग में भी। तो अभी मैं हूँ चाइना टाउन में और यहाँ पर जो है बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन हो रखी है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो है चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है, तो इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है सजावट होती है डेकोरेशन। और ये स्ट्रीट काफ़ी लंबी है, तो ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी जो है यहाँ पर डेकोरेशन है। आई होप कि आपको पसंद आएगी, तो बने रहिए वीडियो में, अंत तक देखिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरी सड़क स्ट्रीट जो है ऐसी डेकोरेट से भरी पड़ी है। अभी तो दिन है तो इतना मतलब अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे रात का अंधेरा होगा ना तो एकदम उजाला होगा इनमें और बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये। अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछले साल इस पर जो एक पूरी वीडियो बनाई है, तो अगर आपको चेक करना है तो आप जाके देख सकते हैं। अभी मैं इस पुल पर आ रखा हूँ ताकि आपको जो है डेकोरेशन का व्यू अच्छे से नज़र आ सके। तो देख लो यार, इतना मेहनत करना पड़ता है एक अच्छे व्यू के लिए, तो अगर आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार। तो चलो फिर मिलता हूँ दूसरी लोकेशन पे आपको। तो दोस्तों अभी मैं हूँ क्लार्की में, और क्लार्की में जो है फेमस जो सिंगापुर रिवर है उसके ब्रिज के ऊपर मैं हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ काम से आया हूँ, वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, लेकिन चलते चलते रास्ते में मेरे को दिख गया तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं, ताकि आप लोग भी थोड़ा जान जाएं इस जगह के बारे में। ये वन ऑफ द मस्ट विजिटिंग साइट है भाई सिंगापुर में, अगर आप सिंगापुर में आते हो तो यहाँ ज़रूर आइएगा क्लार्की। सो अभी आगे और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ के बारे में। यहाँ पे आपको बहुत सारी मच्छियाँ भी दिख जाएंगी, आई डोंट नो कि कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। आई थिंक यहाँ पर एक कनाल है, इसी के अंदर जा रही हैं, आ रही हैं यहाँ से, इतना आइडिया नहीं, आप देख लीजिए। और इसके ठीक ऊपर है रेस्टोरेंट, तो व्यू तो एकदम ज़बरदस्त आता होगा, नीचे पानी, नदी और ऊपर रेस्टोरेंट, और रात को लाइट के टाइम पर तो मस्त मज़ा आता होगा डिनर करने का यहाँ पर। हेलो दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत, और आज मैं यहाँ पर आया हूँ एक कंपुंग अम्पात नाम की जगह यहाँ पर। सो मुझे ये लोकेशन जो है कल रात किसी ने सेंड की थी यहाँ पे आने के लिए। सो मुझे लगा, जैसे मैंने लोकेशन देखी तो लगा मुझे कि शायद ये जानी पहचानी जगह लग रही है,
क्योंकि मैंने जो है यहाँ पर इस लोकेशन के आसपास लगभग जो है पार्ट टाइम किया था, तो होता है ना कि जिस जगह पे जो है काम किया हो और उसका अगर नाम हम सुने तो ऐसा लगता है कि हाँ जानी पहचानी जगह है, तो वैसे ही मुझे लगा, लेकिन मेरे को एकदम याद नहीं आया। तो फिर मैंने जो है गूगल पे जाके सर्च किया तो लोकेशन यही बता रही थी, तो फिर आज आया मैं यहाँ पर, बातचीत हुई, लेकिन जो भी हुई बातचीत अच्छी हुई। और फिर अभी मैं निकल रहा हूँ घर की ओर। आते टाइम मैं आपसे इसलिए बात नहीं कर पाया क्योंकि आते टाइम मुझे थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि जो टाइमिंग दिया था उन्होंने मेरे को उससे मैं थोड़ा लेट हो गया था, आधा घंटा लेट, तो आधा घंटा काफ़ी होता है, और जो मीटिंग थी वो डिले हो गई थी, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में बात नहीं कर पाया। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका अपने घर के नज़दीक, और वहाँ से मैं जो है बस में आया। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं जो है मेट्रो में आ सकता था, लेकिन मेट्रो से मुझे जो है जमा नहीं, और मैं सोचा थोड़ा बस से आता हूँ, क्योंकि बस से जो है मेट्रो जो है एक तो अंडरग्राउंड रहती है ना, तो फिर कुछ दिखता नहीं है। मैंने कहा बस से आता हूँ, थोड़ा दिखेगी दुनिया, थोड़ा फ्रेश रिफ्रेशिंग मतलब मूड होगा, और उसके बाद मैं बस से ही आया। तो चलो यार ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को। ये काफ़ी 2-3 दिन का व्लॉग था मेरा जो मैंने अभी तक एडिट किया इस वीडियो में, और पूरा मिला के मतलब मर्ज किया है टुगेदर। सो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।